रेसिपी है हमारी आज की क्रिस्पी स्पाइसी फ्रेंच फ्राइज़। तो हम इसे बहुत ही चटपटे से फ्रेंच फ्राइज़ बनाने वाले हैं। तो जिसके लिए लेंगे हम आलू, तो ये मैंने 6 आलू लिए थे मीडियम साइज़ के, और इसे इस तरीके से कट कर लेंगे, जब मोटे मोटे स्लाइस ले लेंगे इसके, ठीक है ना। और उसके बाद जैसे नॉर्मल फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं ना, उसे थोड़ा सा मोटा काट लेंगे इसको, ठीक है, कुछ इस तरीके से। और बाकी के सारे भी इसी तरह से बना लेंगे, कट कर लेंगे। और उसके बाद हम इसे एक बर्तन में डाल देंगे, उसमें पानी डाल देंगे, नमक डाल देंगे 1 चम्मच, और थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे, और इसे 3 मिनट से ज़्यादा बॉयल नहीं करेंगे हाई फ्लेम पे। और उसके बाद इसे हम निकाल लेंगे, नहीं तो ये टूट जाएंगे अगर हम इसे 3 मिनट से ज़्यादा पकाएंगे। और उसके बाद ये हमने पानी निकाल दिया था, लेकिन हमने ड्राई बिल्कुल भी नहीं किया था, इसमें पानी था थोड़ा थोड़ा, है ना, जिसे हम आगे यूज़ करने वाले हैं। इसको इनका गीला रहना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम अभी इसमें डालेंगे नमक, ये मैंने आधा छोटा चम्मच नमक ऐड किया है। और इसके बाद 1 चम्मच मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च पाउडर, और इसके बाद डालेंगे चिली फ्लेक्स 1 चम्मच, और 1 ही चम्मच डालेंगे ऑर्गेनो। और अगर आपको इससे ज़्यादा स्पाइसी चाहिए तो आप इसमें थोड़े से लाल मिर्च और ऐड कर सकते हैं, और साथ ही ऐड कर सकते हैं चाट मसाला पाउडर 1 चम्मच। तो थोड़े से चटपटे ये और हो जाएंगे, तो लेकिन मुझे ज़्यादा नहीं रखना था तो मैंने इतना ही कर लिया। तो सबसे पहले मैंने ये 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर लिया और 1 चम्मच मैदा फुल भर के। और इसके बाद लेंगे ये ब्रेड क्रम्ब, तो ये मैंने 3 चम्मच ब्रेड क्रम्ब इसमें ऐड कर दिया था। और अब हम इसे बहुत ही अच्छे से कोट कर देंगे, क्योंकि ये पहले से ही गीले गीले से बिल्कुल ड्राई नहीं थे, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी था फ्राइज़ में। तो फिर अब ये इस तरीके से अच्छे से कोट हो चुके थे, तो बस हम अब हाई फ्लेम पर इसे फ्राई करना शुरू कर देंगे। तो हम ये हाई फ्लेम पर करेंगे, और जब तक करेंगे जब तक इसका लाइट ब्राउन कलर नहीं आ जाता और ये अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाते हैं, जैसे कि अब ये हो गए थे, ठीक है। तो अब हम इसे सबको निकाल लेंगे और बाकी सारे भी इसी तरीके से बना लेंगे। तो ये हमने सारे बना के रख लिए थे, और ये कुछ इस तरीके से एकदम बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो चुके थे, और ये काफ़ी तीखे और चटपटे भी थे। और अगर चाहें तो आप इसके ऊपर से भी चाट मसाला ऐड कर सकते हैं, मतलब छिड़क सकते हैं। तो अगर ये मेरी आपको रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट।